आत्मा की खुराक है। वाणी द्वारा भजन कीर्तन कर रहा है, नाम उपासना, बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 राम, हितकर वचन बोलना, मीठे वचन बोलना, आत्मा तृप्त होता है। गाली गलौज, निंदा करना, दूसरों की चुगली करना, ये आत्मा को आप ऐसा भोजन दोगे आत्मा को, तो वैसे संस्कार से वह प्रभावित हो जाएगा। परमेश्वर ने तीन अन्न भोग के साधन आत्मा के लिए नियत किए, उन मन, वाणी, प्राण। प्राण को उसने आत्मा के लिए नियत किया। अगर प्राण चल रहे हैं, आत्मा भीतर है। मुख नाक बंद कर दिया जावे, अब प्राण, ये वायु भीतर नहीं जावेगी, आत्मा बाहर हो जावेगी, ये उसका भोजन है। प्राण को उसने आत्मा के लिए नियत किया। आत्मा के ये तीन अन्न हैं, मन, इसमें मुख है। यही कारण है कि मनुष्य कहा करता है, मैं अन्यंत्र मन वाला था इस कारण नहीं देख सका, मैं अन्यंत्र मन वाला था इस कारण नहीं सुन सका। मनुष्य मन से ही देखता है और मन से ही सुनता है। मन दूसरे कार्य या विषय में है तो देखे सुने का ज्ञान नहीं होता। ये तीनों अन्न आत्म सत्ता से उत्पन्न होते हैं। कामना, संकल्प, संशय, आस्तिकीय बुद्धि, अश्रद्धा, धैर्य, अधैर्य, लज्जा, बुद्धि, भय, ये सब मन के भाव हैं। हे मानव, तू इस पर चिंतन कर, तेरा भाव कैसा है। वह परमेश्वर जानता है, तेरी आत्मा जानता है। दूसरों को भ्रमित करके, धोखा देके, अपने आप को तू धोखा दे रहा है। अब मन का जैसी भी कामना होगी, जैसा संकल्प कर लेवेगा, किसी भी विषय में संशय कर लेवेगा, आस्तिक बुद्धि अथवा नास्तिक बुद्धि, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, तेरे में कितनी श्रद्धा है, कितनी अश्रद्धा है, धैर्य कितना है, अधैर्य कितना है, लज्जा कितनी है, भय कितना है, ये सब मन के भाव है। इस पर तू विचार कर, क्योंकि ये सब आत्मा के ऊपर आरोपित करके तू आत्म भाव वैसा बना देवेगा, जैसे भाव देगा आत्मा को। आत्मा जब ये शरीर तू छोड़ेगा, ये छूट जावेगा, अपने आप छूट जावेगा, कितना भी बचाएगा नहीं बचेगा, ये तो छूटना ही है, इसमें संशय नहीं है, ये सत्य है। शरीर को छोड़ते ही आत्मा को जैसे भाव दिए होंगे, वह तीव्रतर गति से उस ओर ये प्रस्थान कर जावेगा, उच्च लोकों में अथवा निम्न लोकों में।
वैसे जन्म वास्थान को यह प्राप्त कर लेगा, वैसा ही वस्त्र, ये शरीर रूपी वस्त्र, जैसे भाव दिए होंगे ये प्राप्त कर लेगा। आज का पाठ, आत्मा की अमरता तथा नित्यता मानकर भी यह विचार बना रह सकता है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के ना मिलने से दुखी होता होगा। इस पर भगवान ने कहा, जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर उतारकर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कुछ भी कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार देहवान आत्मा रहने के अयोग्य जीर्ण शरीरों को त्याग कर कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। अब वह नवीन शरीर क्या है? एक है कर्म अनुसार। अब अपना कर्म निहार ले, यही सयाना काम, मानसिक कर्म, और ये तेरे बाह्य कर्म आंतरिक, और तेरे ये कर्म हाथ पाओ कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म, ये कारण हो जावेगा कर्म अनुसार अगला शरीर प्राप्त करना। देह के परिवर्तन में आत्मा को कोई भी क्लेश तो नहीं होता, आत्मा का देह को बदलना वस्त्र बदलने के सदृश ही है। कोई भी व्यक्ति वस्त्र बदलने में कुछ भी कष्ट नहीं अनुभव करता, बल्कि हर्षित होता है। अगर पुराना वस्त्र हो गया, मैला कुचैला हो गया, तो उसका त्याग करके उसे प्रसन्नता ही होती है, हर्षित होता है। अब बहुत सुंदर उदाहरण दिया भगवान ने वस्त्र बदलना, आज में आ जाइए। वस्त्र आप स्वयं खरीदते हैं, शरीर भी आप स्वयं निर्धारित करते हैं। वस्त्र खरीदने में क्या ध्यान रखते हैं? अपनी जेब। अब वस्त्र तो 20-50 रुपए मीटर का भी है, 500 रुपए का मीटर का भी है, और बहुत सुंदर सूट बहुत महंगे भी हैं। अब अपनी जेब जितनी इजाजत देती है, जैसी वृत्ति होती है, वैसा ही वस्त्र मानव चयन करता है। चयन किसने किया? मानव ने स्वयं किया अपने लिए वस्त्र, आत्मा ने। अब जितनी कमाई थी मानव ने, उस अनुसार अपने वस्त्र सिलवा लिए, बहुत ठाट बाट, बहुत अच्छा सूट, गरम सूट सिलवा लिया, कम पैसे, साधारण कपड़ा लेकर
वह अपना वस्त्र सिलवा लिया। आत्मा के पास जो धन दिया होगा, नाम जाप अगर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये रतन अगर उसे दे रहे हैं, ये धन दे रहे हैं, ये संपत्ति दे रहे हैं, आत्मा बढ़िया से बढ़िया शरीर को धारण कर लेगा, राजे महाराजे की तरह रहेगा, क्योंकि उसके पास धन बहुत दे दिया आपने। और अगर मानव ने बुरे कर्म किए हैं, अशुभ कर्म किए हैं, निंदा चुगली वैर विरोध इत्यादि, धन वहीन कर दिया, उसको निर्धन बना दिया, अब वह अगर जितना समर्थ है उसके पास उस आत्मा के लिए, उसी वस्त्र के अंदर वह प्रवेश कर पाएगा। ये सब वैभवता, ऐश्वर्या, सुंदर शरीर, हष्ट पुष्ट शरीर, राजे महाराजों की तरह ये वैभवता इत्यादि